Hey guys, my name is Perry Goswale and आज की वीडियो में हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं डायमंड बुगाटी सुपर कार्स को। And ladies and gentlemen, हम लोग पहुंच चुके हैं यार अपनी पहली लोकेशन में। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलता है। यहाँ पे भाई GTA 5 के बड़े बड़े बदमोश आते हैं एंड अपनी बदमोशी दिखाते हैं। सो यहीं पे भाई एक बहुत बड़ा बदमोश जिसका नाम है गुड्डू बदमोश, ये बदमोश अपनी डायमंड बुगाटी से आया एंड भाई ये खड़ी है भाई डायमंड बुगाटी अपनी। ओ माय गॉड, क्या कमाल लग रही है। सो या इसी को अपन को लेना है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि ये गाड़ी अभी लॉक्ड है तो हम लोग इसे ऐसे चोरी करके नहीं ले आ सकते हैं। हम लोग को बताएं फाइटिंग ही करनी पड़ेगी या प्यार, हम लोग फाइटिंग में बेट लगा के बताएं ये गाड़ी जीत सकते हैं। बस एक बार इस गुड्डू बदमोश को एक बार मैं मार दूंगा, ये गाड़ी अपनी हो जाएगी। सो यार देखते हैं कहां है गुड्डू बदमोश। आई थिंक सो यही है क्या हमारा बदमाश गुड्डू, यही खड़े होके पता नहीं क्या कर रहा है, फ्लेक्स मार रहा है क्या। अबे कोई तो आ जाओ लड़ने भाई, डब हम नहीं है का किसी में, सबकी शिट्टी पिट्टी को लोग। अरे गुड्डू बदमोश जी, आपसे लड़ने की हिम्मत आकर है ही किसमें, सबसे बड़े गैंगस्टर तो आप ही हो लॉस सैंटोस के। अबे वो तो हमको भी पता है, लेकिन यार कोई तो आ जाओ यार, किसी को पेलने की इच्छा कर रही है बहुत तेजी से। आओ बे आओ। हाँ यही है गुड्डू बदमोश, इससे कोई लड़ी नहीं रहा है, इतना खौफ है इसका, इसकी ऐसी की तैसी। ओए गुड्डू बदमोश कौन है बे, कौन है बे तू यार, पहली बार दिखा यहाँ पे, करना आया है क्या। हाँ गुड्डू बदमोश जी नया आया हूँ, लेकिन आपकी वाट लगाने आया हूँ। क्या बोल रहा है जी, सही बोल रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरे से बॉक्सिंग करके दिखाओ। अबे यार हमसे करोगे बॉक्सिंग भाई, एक झापड़ में टैब होल जाओगे, बता रहे हैं। खैर चलो तुम्हारी इच्छा है तो आ ही जाओ। हाँ तो जाएंगे, लेकिन एक शर्त में, अगर मैं आपसे ये बॉक्सिंग कंपटीशन जीत गया तो ये डायमंड बुगाटी वोलिडे मेरी हो जाएगी, ठीक है, ये आपको देनी पड़ेगी। अच्छा बेटा गाड़ी पे नजर है तुम्हारी, इसीलिए हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। अबे चलो ठीक है भैया, मान गए गाड़ी के लिए, तुम जीते हम अपनी गाड़ी तुम्हें दे देंगे, लेकिन भैया तुम काटोगे, तुमसे भी हम कुछ लेंगे। हालांकि तुम्हारी शक्ल देख के कुछ लग नहीं रहा है तुम पे कुछ होएगा, तो इसलिए भैया ऐसा करते अगर तुम हारे तो तुमको नंगा नाचना पड़ेगा हम सबके सामने, ठीक है, सही बोल लेना लोंडो। हाँ गुड्डू भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसको नंगा नचाएंगे, मजा आएगी। नंगा नचवाओगे, चलो फिर ठीक है गुड्डू बदमाश जी, इट्स टाइम टू फाइट। अबे लौंडे आखिरी बार सोच लो यार, अगर मौत से डर लगता है तो भैया मत आओ मेरे पास यार, फालतू में मर जाओगे। अरे मैं तो नहीं मरूंगा, मेरे को लग रहा है मैं आपको मार दूंगा। अरे भैया हमको मारेगा। अबे लौंडे तुम लोग ने सुना इसने क्या बोला, ये मुझे मारेगा। हाँ गुड्डू बदमाश जी तुम मजाक कर रहे हैं, आपको मारेगा ये। हाँ वही तो भाई, कैसा मजाक कर रहा है ये कसम से। अरे मार डाला, ये कौन है बे, अब आप पीछे से मार करता है लौंडे, मार डाला। अरे ये क्या हो गया गुड्डू बदमाश जी को, तो इस कलवे ने मार दिया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत स्ट्रांग है, वाओ। हाँ भाई तुम तो बहुत मजबूत हो यार, कसम से कमाल कमारा। अरे हाँ थैंक यू यार दोस्तों यार, सो यार आई थिंक मैं ये कंपटीशन जीत ही चुका हूँ, तो ठीक है गुड्डू बदमोश लाओ भाई चाबी निकालो। ए हम नहीं देंगे चाबी, पीठ पीछे वार करके तुमने मारा है। अबे जैसे भी मारा मारा तो है ना, फाइटिंग की बात हुई थी, फाइटिंग में मैं जीत चुका हूँ, लाओ भाई चाबी निकालो, नहीं तो तेरे जेब से हाथ डाल के चाबी निकाल लूंगा मैं। एंड लो भाई निकाल ली चाबी, एंड ठीक है गुड्डू बदमोश चलता हूँ, थैंक्स यार तुम्हारे साथ फाइट करके मजा आई। अबे लौंडो रोको उसे यार, क्या कर रहे हो। अबे चल बे फर्जी गुड्डू बदमोश, ये लौंडा ही अब हमारा असली चैंपियन है, इसने आपको मार दिया है। लौंडे तुम जाओ, गुड्डू बदमाश की सीखते इसी। अरे थैंक्स मेरे फ्रेंड्स, चलो चलता हूँ ठीक है, किसी और दिन आऊंगा फिर और फाइटिंग करेंगे। सो यार नाइस यार, ओ माय गॉड गुड्डू बदमाश को पेल दिया हम लोग ने, हालांकि थोड़ा सा इलीगल वे में मैंने पेला भाई, लेकिन पेल दिया भाई, सामने सामने नहीं मार पाता यार, उसकी बॉडी देखी थी तुम लोग ने। सो यार थोड़ा पीठ पीछे से मारना पड़ा, बट ठीक है यार अपने को क्या है, अपने तो फाइट जीत गए। एंड यार इसी के साथ अपनी बुगाटी बोलिडे हम लोग लेके निकलते हैं, फटाफट लेके निकलते हैं भाई, क्या लग रही है डायमंड कलर में, ओ ये। सो गाइस चल यार मैं जल्दी से अपनी बुगाटी बोलिडे भी खड़ी करके आता हूँ अपने घर में, एंड फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायमंड बुगाटी इसको लेने। एंड गाइस अगर अभी तक तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर देना, ऐसी मस्त वीडियोस अपन पोस्ट करते रहते हैं, एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड या लेट्स गो। ऑलराइट सो बॉयज हम लोग पहुंचे यार अपनी सेकंड लोकेशन में। बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि यार ये जो तुम लोग को मैंशन दिख रहा है, इसी मैंशन के माले के पास है डायमंड बुगाटी सुपर कार जो की खराब हो चुकी है, एंड उस खराब बुगाटी सुपर कार को सही करवाने के लिए उसने मैकेनिक को बुलाया है, जो की भाई यहाँ पे खड़ा है बस ये घर के अंदर जाने ही वाला है बुगाटी को सही करने के लिए। एंड इससे पहले ये जाए ना, मैं ऐसा करूंगा भाई इसको पेल दूंगा, एंड फिर हम लोग नकली रिपेयरिंग बॉय बन के जाएंगे एंड बुगाटी को स्टील कर लेंगे। सो बस यार यहीं पे ये खड़ा है तो आराम से बस जाते हैं अपन, एंड धीरे से इसके टकले पे एक घूसा मारते ऐसे पेल देते हैं। अरे भैया मार डाल रे। ऑलराइट इसे तो पेल दिया हम लोग ने, वेरी गुड। अब यार हम लोग ऐसा करते हैं टो ट्रक में बैठते हैं, एंड अब चलते हैं यार घर के अंदर चलते हैं, एंड रिपेयरिंग करते हैं अपनी डायमंड बुगाटी गाड़ी की। सो चलो चलते हैं। कहाँ पे है, हेलो सर जी, सर जी नीचे देखिए सर जी नीचे, कौन बुड़बा के बै। अरे सर जी वो रिपेयरिंग के लिए बुलाया था ना, कोई बुगाटी रिपेयर करनी थी, मैं रिपेयरिंग बॉय हूँ। अरे हाँ बुलाया था, मेरी यार गाड़ी खराब हो चुकी यार, देख लो यार जल्दी जाके। अरे तू है कहाँ सर जी। अरे यार सीधे चलते चलो, पार्किंग में मिल जाएगी। अच्छा ठीक है
सर जी, अभी सही करता हूँ आपकी गाड़ी, टेंशन मत लेना सर जी। ऑल राइट सर जी। एंड ओके गाइस, इनको शक तो नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है हम लोग रिपेयरिंग वो है, सो ठीक है सही है चलते हैं हम लोग। एंड ये देखो भाई, ये खड़ी अपनी डायमंड बुगाटी, एंड ये है डायमंड बुगाटी डीवो। ओह माय गॉड, नाइस यार, ये भी मस्त लग रही है। एंड यहाँ पे एक मैडम जी और खड़ी हुई है, यहीं पे फूका फूकी कर रही है। हेलो, तुम रिपेयरिंग बॉय हो ना? हाँ मैडम जी, मैं ही हूँ रिपेयरिंग बॉय। हाँ यार, कर जल्दी से गाड़ी देखो यार, मुझे और मेरे पति को शॉपिंग करने जाना था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, एक सेकंड बस आप रुकिएगा, बस चिंता मत करिएगा, मैं अभी तुरंत सही कर देता हूँ गाड़ी। एंड अरे ओ माय गॉड, अरे क्या हुआ? अरे ये ऑयल पूरा लीक कर गया है, नीचे गीला गीला हो रहा है पूरा। अरे मेरे को तो सूखा लग रहा है सब कुछ। नहीं मैम गीला है, आप ध्यान से चेक करो, थोड़ा सा मतलब गीला गीला हो रहा है, इसका पूरा ऑयल लीक हो गया है। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से पता है मैम, इसका जो ऑयल पाइप है ना वो कुछ फट फट आ गए हैं, इसलिए इसका ऑयल लीक कर रहा है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे तो सही करो ना, मेरे को शॉपिंग में जाना है। अरे मैम वो यहाँ पे थोड़ी हो पाएगा सही, आप मजाक करती है, यहाँ पे थोड़ी मैं पाइप लेके घूम रहा हूँ, इसको गैराज ले जाना पड़ेगा, वहीं पे सही हो पाएगी गाड़ी। अरे यार, अरे अरे यार नहीं मैम, यार ले जाना पड़ेगा तो मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ लेकिन जल्दी लाना गाड़ी, शॉपिंग में जाना है। अरे हाँ हाँ ठीक है यार, डोंट वरी, शॉपिंग में चली जाना, बस मैं सही कर दूँ एक बार गाड़ी, फिर आप जाते रहना, शाम तक पक्का गाड़ी ले आना। हाँ ले आऊंगा, डोंट वरी यार, आप टेंशन मत लो, हमारी सर्विस बहुत क्विक है, शाम तक क्या मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले ले आऊंगा, बस एक दो घंटे में ले आऊंगा, डोंट वरी, आप चिंता मत करिएगा। एंड यार जल्दी से लेके चलते गाइस, जल्दी से ले चलते है से, फटाफट भगा के ले चलते हैं। ऑलराइट गाइस, मजा आ गई भाई, लल्लू बना दिया है हम लोग ने घर वालों को। एंड यार फर्जी रिपेयरिंग बॉय बन के हम लोग ने स्टील कर लिया यार अपनी डायमंड बुगाटी डीवो, माय गॉड। एंड अब चले यार इसको ले चलते हैं, जल्दी से ले चलते हैं अपनी बुगाटी डीवो को। वैसे वो लोग बोल रहे थे खराब है गाड़ी, लेकिन मेरे को तो सही लग रही है। एंड अबे एक बार में स्टार्ट हो गई क्या यार, इन लोग को गाड़ी नहीं चलानी आती क्या, अमीर लोगों को? भाई एक बार चाबी घुमाई और स्टार्ट हो गई है, क्या ही खराब हुआ इसमें। सो ठीक है भाई, स्टील कर ली भाई हम लोग ने अपनी बुगाटी डीवो को भी डायमंड वाली, लेट्स गो, मजा आ गई। अब चले यार इसको मैं जल्दी से खड़ी कर देता हूँ अपने घर में, एंड उसके बाद चलता हूँ यार आगे की डायमंड बुगाटी, इसको स्टील करते हैं। ऑलराइट सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यार अपनी थर्ड लोकेशन में, जो कि है पुलिस स्टेशन। सो बेसिकली दोस्तों, ये जो थर्ड अपनी डायमंड बुगाटी है ना, ये कोई माफिया बॉस की थी, एंड उस माफिया बॉस को वो यार पुलिस वाले पहले ही धर चुके हैं, एंड उसके साथ साथ उसकी सारी गाड़ियां भी धर चुके हैं, जो कि भाई यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ये जो गैराजेस है ना उनके अंदर पार्क है वो गाड़ियां, जब्त कर ली गई है उसकी सारी गाड़ी। यार उस डायमंड गड्डी तक पहुंचने के लिए भाई हम लोग को किसी तरह पुलिस स्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा, एंड पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए भाई हम लोग को फर्जी पुलिस वाला बनना पड़ेगा। सो इसलिए मैं यार फैंसी ड्रेस शॉप से भाई नकली पुलिस ड्रेस ले आया हूँ, एंड यार चल पहन के चलते हैं पुलिस ड्रेस। ऑलराइट तो गाइस चलो चलते हैं फुल कॉन्फिडेंस में फर्जी पुलिस वाला बन के। एंड ओ माय गॉड यार, असली पुलिस वाले हैं पुलिस स्टेशन के अंदर यार, ये लोग मेरे को पहचान ना जाए, फुल कॉन्फिडेंस में चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसा चल रहा है? बढ़िया, क्राइम भाई मिटाए जा रहा है? हाँ क्राइम तो हम लोग मिटा ही रहे हैं। और अबे तुम कौन हो यार, पहली बार देखे हो पुलिस स्टेशन में? अरे सर वो मेरी न्यू ज्वाइनिंग है ना, कल ही तो मैंने ज्वाइन किया था, शाम को ही किया था। अच्छा शाम को गेट है, अच्छा ठीक है यार, शाम को असल में हम थे नहीं ना पुलिस स्टेशन में, तो हमको पता नहीं चला यार, हम शाम को जरा बीवी के साथ पिक्चर देखने गए थे। बीवी के साथ पिक्चर देखने गए थे कि पिक्चर बनाने गए थे? ऑफिसर रमेश बड़े नोटी हो रहे हो आप। बहुत बढ़िया, आप चलते हैं। ओह माय गॉड, ओके गाइस यार इन लोग को अभी शक नहीं हुआ है, सही है। अब चलो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से जल्दी, फटाफट निकलते हैं, भागते हैं। एंड आई थिंक यहीं से गैराजेस आते हैं, यहीं से एंट्री है गैराजेस की, चलो चलते हैं। ऑलराइट तो गाइस गैराजेस में तो हम लोग आ चुके हैं, एंड ये देखो भाई ये खड़ी अपनी बुगाटी, एंड ये क्या कर दिया भाई डायमंड बुगाटी के साथ? ओह माय गॉड यार, इसमें तो पुलिस लिख दिया इन लोग ने, लाइट वाइट भी लगा दी पुलिस वाली। ओके अच्छा मेरे को समझ में आ रहा है गाइस, इन लोग ने बताया उस माफिया बॉस की बुगाटी शिरोन को, डायमंड बुगाटी शिरोन को पुलिस गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया है। ओके अब मेरे को समझ में आ रहा है भाई, जो ये माफिया लोग है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, जब वो पकड़े जाते हैं किसी जेल में जाते हैं, तो उनकी गाड़ियां जो जब्त कर ली जाती है उन्हीं को ये लोग पुलिस कार्स में कन्वर्ट करके काम चलाते हैं, इनके पास खुद की पुलिस गाड़ियां नहीं है। ओके तो अब मेरे को समझ में आया, अब चले यार हम लोग भी इसे लेके चलते हैं, चाबी शाबी तो लगी है, सो या आराम से इसको बैक करते हैं, यहाँ गैरेज का गेट खुलते हैं, एंड या अब इसे लेके निकलते हैं, लेट्स गो माय फ्रेंड्स, लेट्स गो भाई, लाइट वाइट फुल जला लेते हैं, पुलिस लाइट जला के पूरा निकलेंगे यार वीआईपी वे में। एंड यार नाइस यार, लग क्या रहे यार, बुगाटी शिरोन कसम से बेस्ट लगती है सारी बुगाटीज में, तुम लोग कैसी लग रही भाई बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे को तो बड़ी बैडस लग रही है। अब चले यार हम लोग चलते हैं, एंड यार अपनी नेक्स्ट बुगाटी को भी लेने चलते हैं, सो यार
बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स गो। ओके सो गाइस हम लोग पहुंचे गए अपने फाइनल डायमंड बुगाटी के पास एंड ये देखो भाई ये खड़ी है। गाइस यार ये जो ब्लू और ब्लैक में बंदे बंदी खड़ी है ना वही दोनों यार इस गाड़ी से अभी उतरे थे एंड ये लोग नजारों के मजे ले रहे हैं। ये देखो यहाँ से बढ़िया नजारों के ये लोग मजे ले रहे हैं। सो सही है ना, जब तक ये लोग नजारों के मजे ले रहे हैं भाई हम लोग गाड़ी उठा के निकल लेते हैं। जरा पहले चेक करते हैं यार अपनी बुगाटी वेरॉन जो है ये लॉक्ड है कि नहीं है। अरे लॉक्ड है यार, शिट कोई ना, खैर कोई ना, ऐसा करते हैं हम लोग धीरे से जाते हैं एंड ये लॉन्डेस की जेब से चाबी उड़ाते हैं। सो यार आराम से चलते हैं, कोई इन दोनों में से देख ना ले हम लोग को। ला 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 एंड ऑल राइट काफी पास आ गए हम लोग। अब चल यार इसकी जेब में हाथ डालते हैं। अरे बेबी गुडगुडी काय कर रही हो यार, बेबी क्या कर रही हो? बेबी मैं तो कुछ नहीं कर रही। अरे तो भैया गुडगुडी कौन कर रहा है? अबे कौन है? अबे क्या कर रहा था भाई? गुडगुडी क्या कर रहा था मेरे पिछवाड़े में? गुडगुडी कर रहा था? अरे नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं तुम गुडगुडी कर रहे थे? अरे कुछ नहीं कर रहा था सर, मानिए मेरी बात, मैं बस यार आपके पीछे खड़े होकर नजारों के मजे ले रहा था। अरे पीछे खड़े होकर काय ले रहे हो यार, इधर उधर पूरी जगह खाली है, कहीं भी और खड़े हो जाते, हमारे पीछे खड़े होना है। अरे यार सॉरी यार, माफ कर दो सर, मैं चलता हूँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ऑलराइट गाइस यार मैंने धीरे से इसकी जेब से चाबी तोड़ा ली है। सो भाई ये लोग अभी भी नजारों के मजे ले रहे हैं। सो जब तक ये लोग बढ़िया देख रहे हैं, वातावरण देख रहे हैं, हम लोग इनकी गाड़ी को उड़ा के निकल लेते हैं, चाबी लगाते हैं एंड भगा लेते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, जल्दी जल्दी भागो। एंड इसी के साथ दोस्तों हम लोग ने अपनी फाइनल डायमंड बुगाटी वेरॉन को भी स्टील कर लिया है। एंड अब तुम लोग बताना दोस्तों, अब मेरे को नेक्स्ट कौन सी डायमंड कार्स को स्टील करना चाहिए, कौन से ब्रांड की, बताना कमेंट सेक्शन में। एंड बस दिस इज वेरी गुड वाइल यार, मिलता हूँ तुम सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।